केदारनाथ यात्रा के दौरान बस डूब गई मंदाकिनी नदी में, फिर जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बसे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हर साल हजारों भक्त आते हैं। महादेव के दर्शन की इच्छा और श्रद्धा से भरे ये यात्री कठिन रास्तों को पार कर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस बार की यात्रा में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है हरिद्वार में रहने वाले स्नेहा की। स्नेहा 22 साल की लड़की थी, लेकिन उसकी हरकतें 6-7 साल के बच्चे की तरह थी। वह काफी जिद्दी और बात बात पर रोने वाली लड़की थी। उसकी माँ और पिता उसकी बीमारी से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्नेहा के मन में केवल एक ही इच्छा थी, केदारनाथ जाने की। उसके माता पिता उसकी इस इच्छा को समझ नहीं पाए। वह अपनी माँ को हमेशा महादेव की पूजा करते देखती थी और तब से वह महादेव की पूजा करने लगी। उसे जब भी कोई परेशानी होती, तकलीफ होती, तो अपने माता पिता से पहले अपने महादेव को बताती थी। उसके मन में महादेव के लिए ऐसी आस्था जग चुकी थी जो उसे और उसके मनोबल को सशक्त बनाती थी। स्नेहा दिन भर घर में अकेली रहती, उसके माता पिता दोनों काम करते थे। स्नेहा ना किसी के साथ खेलने जाती थी और ना ही किसी से बात करती थी। आस पड़ोस के सभी बच्चे उसका खूब मजाक भी उड़ाया करते थे। स्नेहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कभी भी किसी को भी कुछ भी फेंक कर मार देती थी। एक बार एक बच्चा उसे पागल कहने लगा तो उसने एक बड़े ईंट से उसको मार दिया। तब से आसपास के लोग उससे काफी दूरी बनाकर रहते थे और खूब चिढ़ाया भी करते थे। एक दिन अपने कमरे में बैठकर वह अपनी माँ से केदारनाथ जाने के लिए कहने लगी। उसकी माँ ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम केदारनाथ जाएंगे। एक दिन वह अपनी माँ से केदारनाथ जाने की बात करते करते गुस्से में घर से बाहर निकल गई और हरिद्वार बस स्टैंड पहुँच गई और केदारनाथ जाने वाली बस में बैठ गई। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्नेहा का कोई पता नहीं चला। वे बहुत चिंतित थे और प्रार्थना कर रहे थे कि स्नेहा सुरक्षित हो। स्नेहा बस में तो बैठ गई थी, लेकिन उसके पास न पैसे थे और न ही कुछ। बस वाले ने उसकी मानसिक स्थिति देखकर उसे बस में बैठा लिया और केदारनाथ के लिए बस रवाना हो गई। स्नेहा को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता ने उसे खोजने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। उसी दिन जब बस केदारनाथ के रास्ते पर थी, अचानक बस का नियंत्रण खो गया और बस में बैठे सभी यात्री मंदाकिनी नदी में जा गिरे। सभी यात्री चीखने लगे, पानी तेजी से बस में भरने लगा और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में जुट गए। स्नेहा की हालत और बिगड़ गई थी और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी समय एक साधु महाराज, जिन्हें सभी बाबा के नाम से जानते थे, वहां से गुजर रहे थे। बाबा ने जब यह दुर्घटना देखी तो बिना समय गंवाए नदी में कूद पड़े। बाबा ने देखा कि बस के अंदर एक लड़की है जो पूरी तरह से घबरा रही है और चिल्ला रही है। बाबा ने तुरंत स्नेहा को खींचकर बाहर निकाला और किनारे ले आए। स्नेहा की हालत बहुत खराब थी, लेकिन बाबा ने उसे शांत किया और उसे अपने आश्रम ले गए। वहाँ बाबा ने उसकी सेवा की और महादेव से प्रार्थना की कि वह उसे ठीक कर दें। बाबा का आश्रम हरिद्वार के पास ही था और वे महादेव के बड़े भक्त थे। उन्होंने स्नेहा को अपने पास रखा और उसकी देखभाल की। उधर स्नेहा के माता पिता पुलिस के साथ हरिद्वार में चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढने में जुट गए। उन्होंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन स्नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाबा के आश्रम की खबर मिली। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि उनकी बेटी बाबा के पास सुरक्षित है। बाबा ने स्नेहा के माता पिता को सारी घटना बताई और कहा, महादेव की कृपा से ही स्नेहा बच पाई है, उनकी भक्ति और आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है। स्नेहा के माता पिता ने बाबा का धन्यवाद किया और महादेव का आभार व्यक्त किया। स्नेहा की हालत में अब सुधार आने लगा था। बाबा की भक्ति और सेवा ने उसकी मानसिक स्थिति को बहुत हद तक ठीक कर दिया था। स्नेहा पहले से ज्यादा शांत और संतुलित थी। उसके माता पिता ने भी बाबा की शिक्षा और आशीर्वाद को स्वीकार किया और स्नेहा के जीवन में महादेव की भक्ति को अहमियत देने लगे। बाबा ने स्नेहा को बताया कि महादेव की कृपा से ही उनका जीवन बच पाया है और अब उसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। स्नेहा ने महादेव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और मजबूत कर लिया। उसने बाबा की देखरेख में रहकर महादेव की भक्ति और साधना शुरू कर दी। इस घटना ने स्नेहा के माता पिता को भी बदल दिया। वे अब स्नेहा की मानसिक स्थिति को समझने लगे और उसके इलाज के लिए सही दिशा में कदम उठाने लगे। उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन में शामिल कर लिया और बाबा की शिक्षा को अपनाया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद से ही स्नेहा और उनके माता पिता ने देखा कि स्नेहा के मानसिक स्थिति में भी काफी सुधार आने लगा है। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो चुकी थी और उसके अंदर यह उम्मीद जगी थी कि वह बच्ची जल्द ही ठीक हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।